The owner of a taxi company decides to run all the taxis on CNG fuel instead of petrol or diesel. The taxi charges in the city comprises of fixed charges together with the charge for the distance covered. For a journey of 13 km, the charge paid is Rs. 129 and for a journey of 22 km, the charge paid is Rs. 210. What will a person have to pay for traveling a distance of 32 km? तो देखें, आपको समझ तो आ गया होगा कि जो टैक्सी का ओनर है वो चाहता है सीएनजी पर टैक्सीज को चलाना, पेट्रोल और डीजल पर वो नहीं चलाना चाहता है। तो जो टैक्सी चार्जेस हैं शहर में उनके लिए एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है और साथ में एक चार्ज देना पड़ता है डिस्टेंस कवर करने के लिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर इस बात को समझाता हूँ कि मान लेते हैं आपको 5 किलोमीटर्स कवर करने हैं किसी टैक्सी से, तो टैक्सी ड्राइवर आपको बोलेगा कि यू नो रुपी टेन इज़ द फिक्स चार्ज। रुपी टेन तो आपको देने ही हैं, चाहे आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो या 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो या 20 का कवर करो, ये 10 तो देना ही है, तो फिक्स चार्ज है। अब हो सकता है वो पर किलोमीटर आपसे ले ले 5 रुपये, तो 5 × 5 = 25 हो गया। ओके, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो आपसे 25 + 10 मतलब 35 रुपये मांग रहा है। ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी टैक्सी ड्राइवर से आप बात करते हो 8 किलोमीटर्स चलने के लिए, तो ये आपको क्या बोलेगा? ये बोलेगा 10 रुपये तो फिक्स्ड है, तो 10 रुपये तो देने पड़ेंगे आपको, और पर किलोमीटर हम लेते हैं 5 रुपये, मतलब 8 × 5 विल बी 40, तो 40 रुपये और दे दो डिस्टेंस के लिए, ये 10 फिक्स चार्ज है, तो 10 + 40 कितना हो गया? 50 रुपीज़, तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि एक चार्ज फिक्स्ड है जिसका डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा हो या कम हो एक चार्ज फिक्स्ड है, और एक दूसरा चार्ज है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। दोनों को ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट बनता है जो हम टैक्सी ड्राइवर को देते हैं। तो इन्होंने बोला है, तो हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है और पर किलोमीटर का जो चार्ज है टैक्सी का वो रुपी वाई है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपी एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपी एक्स, एंड फेयर पर किलोमीटर या फिर चार्ज पर किलोमीटर इज़ रुपी वाई। एक किलोमीटर के लिए आपको वाई रुपी पे करने पड़ते हैं, लेकिन एक्स रुपये भी साथ में पे करना पड़ेगा। ओके, तो देखो पहले इन्होंने बोला है कि 13 किलोमीटर की जर्नी हुई है, तो अगर किसी ने 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो टैक्सी ड्राइवर उसको बोलेगा कि पहले तो आप मुझे ये एक्स रुपी लाओ जो कि फिक्स्ड हैं, राइट, और अब मुझे 13 किलोमीटर के मुझे 13 वाई रुपये लाओ, क्योंकि 1 किलोमीटर के मैं वाई रुपी लेता हूँ, 2 किलोमीटर्स के मैं 2y लूँगा, 13 किलोमीटर्स के लिए मुझे 13y चाहिए, तो वो 13y भी आपसे लेगा और ये एक्स फिक्स चार्ज भी लेगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल वो आपसे ले रहा है 129। ओके, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए उन्होंने बोला है कि अगर डिस्टेंस कवर होता है 22 किलोमीटर्स तो चार्ज 210 है। तो अगर आपने 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो टैक्सी ड्राइवर आपको बोलेगा कि पहले तो एक्स रुपये लाइए क्योंकि ये फिक्स चार्ज है, और फिर इस 22 किलोमीटर्स के लिए आपको देने पड़ेंगे 22 वाई रुपीज़। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल चार्ज दिया गया है वो है 210। सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को यू हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। सॉल्व करने के बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, देन हम देखेंगे हमें यहाँ पर क्या करना है, लेकिन पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, ऑन सब्ट्रैक्शन। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब ये माइनस एक्स हो गया, अब ये माइनस 22 वाई हो गया, और अब ये माइनस 210 हो चुका है, राइट? ओके, तो एक्स माइनस एक्स आप करोगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। सी, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। 13y माइनस 22y, ये आपको मिलेगा माइनस 9y, क्योंकि इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर 9y मिलता है। हम सब्ट्रैक्शन के बाद बिगर नंबर का साइन लगाते हैं। बिगर नंबर 22 है और उसका साइन माइनस है, तो मैंने माइनस 9y लिखा है। इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 210 में से 129 को, तो अगर आप 210 में से 129 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 81। बिगर नंबर 210 है, उसका साइन माइनस है, तो आप यहाँ माइनस 81 लिखोगे। याद रखो कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद यू हैव टू पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर। चलो ठीक है, अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 81 अपॉन माइनस 9। ये माइनस 9 वाई को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर आप इसको भेज दोगे राइट साइड में तो ये डिवाइड कर देगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 81/9 9 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो गई 9। एक्स की वैल्यू जानने के लिए आप फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में
y की वैल्यू 9 को पुट कर दोगे. ओके, तो लेट्स पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 129. x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 129. मैंने 13y की जगह पर 9 लिख दिया है क्योंकि y की वैल्यू 9 है. अब x प्लस 13 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 117 मिलेगा. अब ये 117 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस 117. तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 12, ठीक है ना. तो हमने x को माना था फिक्स चार्ज. इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज इज़ रुपी 12. ये आपको देने ही पड़ेंगे चाहे आप 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस क्यों ना कवर करो. ओके, ये फिक्स चार्ज है. और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, वो y है, मतलब 9 रुपीज़ है. तो चार्ज या फेयर पर किलोमीटर इज़ रुपी 9. अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आप 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं. तो अगर आपको 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो आप क्या करोगे, फॉर 32 किलोमीटर्स आपको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा जो कि x है, और आपको 32 किलोमीटर के लिए 32y पे करना पड़ेगा क्योंकि पर किलोमीटर y है. तो अब x की वैल्यूज पुट कर दो, x और y की वैल्यूज पुट कर दो. x इज 12 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाय y, y की वैल्यू है 9. 12 प्लस 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो आपको मिलेगा 288 और 12 को ऐड करने पर आपको मिलेगा 300. तो 300 इज़ द अमाउंट विच यू आर गोइंग टू पे टू द टैक्सी ड्राइवर फॉर 32 किलोमीटर्स. आई होप ये क्लियर है. कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू.